हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आज की ये रेसिपी कुछ खास है। ये है हमारी अपलोड की गई 100 रेसिपी। 100 रेसिपी शेयर करने की खुशी में आज हम बनाने वाले हैं एक स्वीट डिश। शायद ही कोई होगा जिसे हलवा पसंद न हो। सर्दियों में खाना खाने के बाद अगर गर्मा गर्म मूंग दाल का हलवा मिल जाए तो परिवार में सब खुश हो जाते हैं। रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपीज पसंद आए तो उन्हें लाइक करें और चैनल के कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। हमने यहाँ 1 कप मूंग दाल को रात भर भिगो के रखा था। मिक्सर में इसे पीस ले और बिल्कुल भी पानी का उपयोग ना करें। गाढ़ी पेस्ट बनाएं। अब एक कढ़ाई में 1 कप घी डालेंगे। घी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। इसमें डालेंगे मूंग दाल की पेस्ट। आप देख सकते हैं कि घी ज्यादा गर्म नहीं है। सबसे कम आंच पे ये डिश हमें आज बनानी है। इसे अच्छे से मिला ले। धीरे धीरे घी और मूंग दाल मिक्स हो जाएंगे। अब हमें ये मिक्सचर धीमी आंच पे भूनना है। इसे घुमाते रहे। आप देख सकते हैं इसका रंग थोड़ा बदल रहा है, एकदम गाढ़ा हो गया है। अब जब तक ये दानेदार ना दिखे हमें इसे सेकते रहना है। अब इसका कलर और टेक्सचर दोनों बदल गए हैं। अब डालेंगे इसमें 1 कप मावा। इसे 1 मिनट भून ले। घी, मावा और मूंग दाल की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। इसमें डालेंगे चीनी। गरम पानी। 1 मिनट पकने दे। अब डालेंगे केसर, बादाम, काजू और पिस्ता। सबको मिला ले। एकदम गोल्डन कलर दिख रहा है। लास्ट में डालेंगे इलायची पाउडर। बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है ना। तो बन गया ये घी में परफेक्ट गर्मा गर्म लाजवाब मूंग हलवा। तो इस बार आप भी मूंग की दाल का हलवा बनाकर अपने परिवार वालों को खिलाकर उन्हें इम्प्रेस करें।